तो ये मेरे पिछे जो तुसी मंजर देख रहे हो ये जलंधर का लतीफपुरा है जिथे कि कुछ दिन पहला ही प्रशासन वालों कार्रवाई की गई है ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने कि इस जगह नू खाली करवाया जाए कि यह कब्जे की जगह है जबकि इत्थे लोगों नू रहिंदे हुए 70 साल हो चुके ने 1947 दे विच जो वंड हुई तो लोग इत्थे आए तो उन्होंने अपना इत्थे रहन बसेरा बनाया तो उदों ते इत्थे रह रहे सी पर जे गल की जाए कि पिछलियां सरकारां दी जो कहा जा रहा है कि जो दस्या जा रहा है कि जिहड़े केस सीगे वह काफ़ी समय तो केस चलता आ रहा सीगा पर पिछलियां सरकारां ने लोगों नू बेघर नहीं होण दित्ता ते आम आदमी पार्टी आम लोगों की सरकार जी दसी जाती है उन्होंने लोगों के घर नहीं बचा पाई सुप्रीम कोर्ट वालों ऑर्डर होए तो अगले दिन ही कुछ दिन बाद ही वड्डी कार्रवाई कर दी गई तो लोगों को बेघर कर दिता गया तो लोग अपने घरां दे विचों समान चकते रहे जिस दियां तस्वीरां भी खूब सोशल मीडिया से वायरल हुई तो तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं उस जगह की लतीफपुरे दियां जिथे लोगों को बेघर कर दिता गया गल इत्थे है कि सरकार वल्लों कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किया गया कि इन्ने लोग ने जिन्हां कोलों सरकार ने वोटां भी लईआं कि इन्हां नूं रख्या कित्थे जावे आखिरकार जे इन्हां दे घर तोड़े जा रहे ने उन्हां नूं कोई होर जगह कित्थे दित्ती जावे इसका कोई प्रबंध नहीं किया गया तो ये तुसीं देख रहे हो जिथे तक भी तुहाडी नज़र जाएगी उत्थे दूर दूर तक घर तुहानूं टुटे हुए मलबा नज़र आएगा तो इस साइड जो ये सारा घटनाक्रम बीतिया तो उस तो बाद भी सरकार वालों कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तस्वीर तुसी देख सकते हो घर दियाँ कि जेडे इत्थे घर सीगे वह मलबे दे विच तब्दील हो चुके ने ते आम आदमी पार्टी लोगों की सरकार जिन्हों कहिंदी सी ते ओह लोगों के ही घर नहीं बचा पाई तो इधर तो ये सामने ही एक तस्वीर होर है जो असी तुहानू दिखाना चाहवांगे कि लैफ्ट साइड तो लोग हुण टेंट लगा के उस ही जगह के उत्ते रह रहे ने तुसीं आ तस्वीर देख सकते हो तो ये भी टेंट सरकार वालों नहीं NGO वालों लगाए गए ने खालसा एड वालों ये टेंट जिहड़े ने वो लगाए गए ने तो सवेर का समा है समा तुहानू असीं दस दिंदे आ सवेर का समा है 9:30 होए ने सवेर दे ते रात कड़ाके की ठंड पै रही है पर फिर भी कोई पुख्ता प्रबंध नहीं तो लोग इन्हां टेंटां दे विच रहण नू मजबूर ने ते ए तुसी तस्वीर असीं तुहानू दिखा रहे हैं जलंधर के लतीफपुरे दियाँ जिथे महिलावां भी अपना काम कर रही ने सवेरे जो दिनचर्या हुंदी हैगी है वह चल रही है तो इस साइड जिथे तक तुहाडी नज़र जाएगी वह घर ने जिहड़े घर मलबे दे विच तब्दील कर दिते गए ने सरकार वल्लों तो खालसा एड ने मोर्चा सांभिया है खालसा एड ने मोर्चा सांभिया है तो खालसा एड ने इन्हां नूं टेंट लगा के दिते ने कि रात नूं जिहड़ी ठंड पै रही है कड़ाके की ठंड का मौसम चल रहा है तो ये असी तुरे जा रहे हैं हालांकि ये तकरीबन 500-300 या 400 मीटर का रस्ता होगा कि ये जिहड़ी सड़क है सारी तो उहदे च जिहड़े लैफ्ट साइड ते घर बने हुए सीगे वो सारे ते हुण सियासत भी पूरी पक्की हुई है हालांकि तुसी ये तस्वीर देख सकते हैगे हो कि खालसा एड वालों इत्थे सारा प्रबंध किया जा रहा है खालसा एड वालों प्रबंध किया जा रहा है ये सवेर की नाश्ता तैयार हो रहा है सवेर का जिथे महिलावां जिहड़ियां करा दियां सीगियां इत्थे रोटी प्रसादे बना रहे ने ते खालसा एड वालों ये सारा प्रबंध किया जा रहा है तुसीं देख सकते हो सवेर दियां तस्वीरां ने जिथे बीबियां प्रसादे बना रही ने तो इस साइड ते सवेर दा जो कह सकते हैं कि सवेर दा नाश्ता तैयार हो रहा जिहड़े लोग इत्थे टेंटां दे विच रह रहे ने उन्हां दे लई ते खालसा एड वल्लों इह सारा प्रबंध किया गया तस्वीरां च तुसीं साफ देख सकते हो तो अगे आपां तुहानूं लै के जावांगे असीं तुहानूं दिखा रहे हैं पूरी रोड जिहड़ी रोड चलदी हुंदी सीगी तो उसदे साइड ते जिहड़े घर बणे सीगे उह सरकार वल्लों बिना
ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।